गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा है कि सरकार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। देहरादून में मीडिया से बातचीत करते हुए गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि चारधाम में दर्शनों के लिए अब तक 26 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कर लिया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चारों धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या का निर्धारण किया गया है, लेकिन इस संख्या से कहीं अधिक तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं। इस कारण तीर्थयात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है ताकि व्यवस्था सुचारू बनी रहे। जिला प्रशासन यात्रियों को भोजन और पानी भी उपलब्ध करा रहा है। जिलाधिकारियों और परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि समय से पहले तीर्थयात्रियों को लाने वाले वाणिज्यिक वाहनों और बसों के परमिट रद्द कर दिए जाए। स्टेशन की भी व्यवस्था की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा स्पष्ट संदेश है कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि जो यात्री जो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या किन्हीं कारणों से उतना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, तो उनको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा हरिद्वार और ऋषिकेश के काउंटर्स पर दी गई थी। पुलिस और प्रशासन की तरफ से और सभी विभाग इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और आप मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध है कि इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें।